आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा और ऐसे बहुत सारे YouTube वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स को अच्छी जॉब नहीं मिलती है। इंडिया में हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 6,214 कॉलेजेस से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6% को उनकी मनचाही जॉब मिल पाती है। लेकिन आपको इसे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो और आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिल रही है, या फिर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको इंडिया में आपकी मनचाही इंजीनियरिंग जॉब कैसे मिल सकती है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो जॉब को क्रैक करने से पहले हमें जॉब की मार्केट के बारे में समझना है। जॉब की मार्केट कंडीशन ये है कि हर साल लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज जो है, जो कंपनी जॉब ऑफर कर रही हैं, वो तो लिमिटेड है। उसके अंदर भी जो कंपनीज कोर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोर मैकेनिकल या जो इंजीनियरिंग आप कर रहे हो उस इंजीनियरिंग की जॉब ऑफर कर रही है, वो और भी लिमिटेड है। और उसमें भी आगे अगर हम फिल्टर लगाए कि उस कंपनी में उस वक्त जब आप पास आउट हुए हो या फिर आप जब जॉब ढूंढ रहे हो उस समय वैकेंसी है या नहीं है, तो इस वजह से जो है मार्केट की साइज़ जो है लिमिटेड हो जाती है, नो मैटर जितने भी नंबर ऑफ इंजीनियर्स पास आउट हो। लेकिन आपको इस बात से डरना नहीं है। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि मार्केट, अब आपने समझ लिया, अभी इस मार्केट को पेनिट्रेट कैसे करना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और हर हफ्ते न्यू इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो इस क्लिप में जैसे आप देखोगे टाइटल में हमने फोकस किया है कि आपको मनचाहा जॉब कैसे मिले। मनचाहा जॉब यानी जिस जॉब में आप मन से काम करें, आपका मन खुश रहे। तो कुछ इंजीनियर्स को कोर या फिर डेवलपमेंट में ही, उन्होंने जिस फील्ड में इंजीनियरिंग की है उसी फील्ड में उनको कोर या डेवलपमेंट की जॉब चाहिए होती है। कुछ इंजीनियर्स को लगता है कि उनको उनसे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवाई गई है, ये उनको करना नहीं था, उनको कुछ और करना था। तो कोई बात नहीं, आज हम जिस रास्ते पे जो आपको टेक्निक बताएंगे उसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है कि सही करियर पाथ या सही राह चुनना। तो सही करियर पाथ चुनने का मतलब ये नहीं कि आपने जो इंजीनियरिंग की है उसके कोर का जो काम है वही आपके लिए सही करियर पाथ हो। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है तो आप पीसीबी पे काम करें, पीसीबी डिज़ाइनिंग करें, पीसीबी सोल्डरिंग करें, या फिर अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आप सॉलिड वर्क डिज़ाइनिंग में काम करें या फिर फैब्रिकेशन के सुपरविजन करें, या अगर आपने आईटी किया है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग ही करें किसी लैंग्वेज में। तो जैसे कि मैंने आईटी इंजीनियरिंग की है लेकिन मेरा सबसे पहला जो जॉब था वो था एसईओ में, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो है डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि ये मेरी चाह थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग करने के बाद सिर्फ डेवलपमेंट या क्वालिटी टेस्टिंग की ही जॉब अवेलेबल नहीं है आपके लिए। मार्केट में काफ़ी तरह के जॉब्स हैं इंजीनियर्स के लिए। अगर आपका इंक्लिनेशन या आपको डेवलपमेंट और क्यूसी टेस्टिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेंगी जहाँ पे जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स या टेक्निकल सेल्स के लिए जहाँ पे वैकेंसी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो लेथ मशीन्स बनाती है और लेथ मशीन सेल करती है, तो लेथ मशीन सेल करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो टेक्निकल जो मैकेनिकल नॉलेज चाहिए, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर को ही होता है। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियर है जिसको सेल्स की तरफ ज़्यादा उसका इंक्लिनेशन है, तो वो इस काम को बाकी लोगों के मुकाबले काफ़ी अच्छी तरह से कर सकता है। एक कंपनी है जो पीसीबी फैब्रिकेट करती है, पीसीबी फैब्रिकेशन या डेवलपमेंट सर्विसेज देती है, तो इस चीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से अच्छा कौन बेच सकता है? बिकॉज जो इंसान चीज़ को समझ नहीं सकता वो उसे बेचेगा कैसे? तो इस तरह से अगर आपका इंक्लिनेशन इंजीनियरिंग करने के बाद भी डेवलपमेंट में अगर नहीं है, अगर वो सेल्स या मार्केटिंग की तरफ है, तो वैसे भी वो काफ़ी सारे जो है दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बस आपको समझना है कि आपका इंक्लिनेशन क्लिक किस तरफ है। अगर वो डेवलपमेंट की तरफ है तो आप डेवलपमेंट की तरफ जाएं, अगर वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं है, अगर आपको लगता है आपको किसी और चीज़ में जाना है, आपका इंक्लिनेशन कहीं और है, तो काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। बस आपको सोचना है कि आप किस जगह पे खुश रहोगे, आप किस जगह पे अच्छा करियर बना पाओगे। बिकॉज आप जहाँ पे खुश रहोगे वहीं पे आप करियर में सक्सेस हो पाओगे। अगर आप ऐसा काम करोगे जो आपको नहीं पसंद, तो आपको जो है सेटिस्फैक्ट्री जो सक्सेस है वो नहीं मिल पाएगी। तो अभी आपने अपना पाथ चुन लिया, यानी आपने अपना रास्ता चुन लिया, उसके बाद जो चैलेंज शुरू होता है वो है उस जॉब को पाने की जो जंग है, जो चैलेंज है आपकी, वो शुरू हो जाएगी। अभी उसमें क्या करना है कि समझो आपके पास जो स्किल्स है, जो आपको लगता है आपके अंदर जो स्किल्स है, उस स्किल्स के हिसाब से आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है आपके स्किल्स में और मार्केट में एक गैप है। जो आपको लगता है कि आपके पास जो स्किल्स है लेकिन मार्केट को जो चाहिए उसमें एक गैप है,
उसी पाथ पे जिस रास्ते में आपको जाना है, जैसे कि टेक्निकल सेल्स में भी अगर आपकी जो स्किल्स है वो लिमिटेड है, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो कुछ अलग है या कुछ बीच में गैप है, तो आपको क्या करना है कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। यहाँ पे देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग यानी आप अपने हिसाब से जॉब मत ढूंढो। अगर उस हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, आप उस पर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो आप जॉब के हिसाब से खुद को चेंज करो। आप जॉब्स ढूंढो, जॉब्स की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो खोलो, उसके अंदर जो स्किल्स है वो पढ़ो और उस वो स्किल्स आप अपने अंदर इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे हमें जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। तो जैसे कि पहले हम JD पढ़ेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसमें जो जो स्किल्स लिखे हैं उसके हिसाब से हम अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। अगर उसमें लिखा है कि आपको एम्बेडेड सी आना चाहिए, आपको PCB डिज़ाइनिंग आना चाहिए, तो आप हम उस हिसाब से स्किल्स अपने अंदर एम्बेड करेंगे। अगर उसमें लिखा है कि आपको सॉलिड वर्क डिज़ाइनिंग आना चाहिए या फिर सपोज PHP प्रोग्रामिंग आना चाहिए, तो पहले हम वो स्किल्स लेंगे। वो स्किल्स लेने के लिए जो भी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो सिर्फ आपको कोर्स देखना नहीं है, वो कोर्स देख के आप प्रैक्टिस करो, आपको वो प्रैक्टिकली आना चाहिए। तो वो जो कोर्स है वो हम लोग वो जो भी उसमें स्किल सेट चाहिए हो वो हम ऑनलाइन कोर्सेज से, यूट्यूब से या जिससे भी चाहिए, उस हिसाब से हम उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। और प्रोफाइल जब आप उस हिसाब से अपडेट करोगे, तो भले उसमें कुछ भी हो, भले उसमें अगर आपको टेक्निकल सेल्स के लिए चाहिए, तो टेक्निकल सेल्स में अगर लिखा है कि आपको सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपग्रेड करो। उसके भी कोर्सेज होते हैं, क्लासेज होते हैं, या फिर आप सेल्फ लर्निंग करो। यूट्यूब पे फ्री में काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, आप उसके हिसाब से अपना नॉलेज और अपने आपके स्किल्स अपडेट कर दो। तो अभी क्या हो जाएगा कि आपके जो स्किल्स है और जो जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब के डिस्क्रिप्शन में जो स्किल्स मेंशन है वो मैच हो गए। तो मैच होने के बाद जो है आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हो। तो अगला स्टेप जो है उसके अंदर आपको काफ़ी सारी कंपटीशन मिलेगी। भले आप कोई भी JD चुनो, कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन चुन लो, भले आप टेक्निकल सेल्स चुनो या फिर कोर आपके फील्ड का चुनो या फिर क्वालिटी टेस्टिंग का चुनो, हर एक प्रोफाइल के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि कंपनीज काफ़ी कम है और ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको कंपटीशन ज़रूर मिलेगा हर एक में। भले वो कम कंपटीशन मिलेगा, लेकिन कंपटीशन तो होगा। तो अभी आपको कंपटीशन को ओवरकम करना है ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो पहले कंसिडर की जाए उस काम के लिए। तो कंपटीशन को कैसे डिफीट करना है, इसके ऊपर अब हम ध्यान देंगे। तो कंपटीशन से आगे आने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि आपको अपनी स्किल सेट जॉब के हिसाब से अपग्रेड करनी होगी। अभी जॉब के लिए कंपटीशन है, तो जॉब किसको सबसे पहले, कंपनी किसको सबसे पहले कंसिडर करेगी, जिसकी स्किल सेट उस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा मैच करती है। तो उसमें जितने स्किल्स है, अगर सभी स्किल्स आपने मैच कर दिए, तो आपको उस जॉब डिस्क्रिप्शन पे आपको कंसिडर करने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी को वो लोग चाहिए जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन से एकदम परफेक्टली प्रॉपरली मैच करे। देखो, परफेक्टली प्रॉपर मैच उनको कभी नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो मैच है वो उस पर प्रेफर करेंगे। तो आपको अपनी प्रोफाइल उस हिसाब से अपडेट करनी है। तो अगर आप इंजीनियरिंग अभी भी परस्यू कर रहे हो, यानी अभी भी आप पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो या जिस जहाँ पे भी आप हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में आपकी जो कंपटीशन है, आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपको आगे निकलना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके स्किल्स और आपके स्किल्स सेम है, क्योंकि अभी आप जस्ट निकले हो, उनकी जो एजुकेशन है वही आपकी एजुकेशन है। तो यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट्स लगेंगे या कुछ स्पेशल पॉइंट्स लगेंगे उस जॉब पे क्वालिफाई होने के लिए, बिकॉज आप और जो कंपटीशन है वो सेम लेवल पे है। तो अभी आपको उनसे आगे बढ़ना है, तभी जाके आपको जॉब मिल पाएगी। तो उसके लिए एक तो आप अपने की स्किल्स अपग्रेड करो। उसमें अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, अगर आपने रेज्यूमे मेंशन किया है Java C++, जो भी आपने LTM डिज़ाइनर जो भी आपने ये मेंशन किया है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लोग आपको उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर वो नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट कड़ी वो है कि अगर आपके पास, अगर आप पढ़ रहे हो अभी, आपको समझो आपकी एग्ज़ाम हो गई, तो आपके पास अभी वेकेशन है, तो वेकेशन को आप वेस्ट मत करो। जब वो लोग सो रहे तब आप जागो, तब आप पढ़ो। तो आप जिस, क्योंकि लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर का वेकेशन है, तो इस वेकेशन को आप यूज़ करो। ये वेकेशन आपके और उनके बीच गैप खड़ा करेगा। ओके, तो ये वेकेशन आपको स्पेशल बनाएगा। तो अगर वेकेशन में वो लोग एंजॉय कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो, या फिर आपने कोई को DIY कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो किसी चीज़ का, तो ये आपको आप में और उनमें एक फ़र्क पैदा करेगा। तो एक गलती जो सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट, काफ़ी सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट करते हैं, वो है कि अपने फ्रेंड्स के भरोसे पे रहना। जो लोग अपने दोस्तों के भरोसे पे रहते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि देखो, दोस्त आपके लिए बाद में, आपको अगर जॉब ना मिले, आपको अगर ये ना मिले, तो दोस्त आपके लिए वापस आने नहीं वाले। दोस्त कुछ नहीं कर सकते उस मामले में। तो जब, और यही जो दोस्त हैं, यही जो लोग हैं, यही आपकी कॉम्पिटिशन है,
तो जब वो लोग एंजॉय कर रहे हैं वेकेशन में, उस टाइम पे आप पढ़ो, उस टाइम पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज लो, उस टाइम पे आप स्किल्स अपग्रेड करो, जॉब के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा करो, तो ही आप उनसे आगे निकल पाओगे। नहीं तो उनमें और आप में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। जब जॉब वैकेंसी आएगी, लिमिटेड वैकेंसी, जैसे मैंने पहले कहा लिमिटेड कंपनीज है, लोग बहुत सारे हैं, आप में रूम में अगर कुछ फ़र्क नहीं है तो आपको भी जो उनको मिलने वाले वही मिलेगा जो, और उतने लिमिटेड जॉब में आपका सिर्फ नसीब के ऊपर आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जब टाइम मिले, तो जब वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, यही आपका टाइम है कि यहीं पे आप अपने स्किल्स अपग्रेड करो, और यहीं पे आप DIY प्रोजेक्ट्स करो, आप सेल्फ लर्निंग करो, आप PCB मंगाओ, आप सिस्टम बनाओ, आप प्रैक्टिकल नॉलेज लो, आप कोड करो, चीज़ों को प्रैक्टिकली ज्ञान लो, और जब सेमिस्टर वैकेशन ख़त्म होगा तभी आप पूरा ध्यान अपना ग्रेड्स पे डाल दो, क्योंकि अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ग्रेड्स। ओके, जब भी कंपनी या फिर जब भी कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव चलती है, तो सबसे पहले वो रिक्रूट करने के लिए क्राइटेरिया डाल देते कि मिनिमम 60% एंड अबव होना चाहिए। तो वो 60% आपके ग्रेड्स उस आप उस क्राइटेरिया में क्वालिफाई होगी, ताकि आपको वो एटलीस्ट बुलाए वहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्वालिफाई होने के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको ग्रेड्स चाहिए, तो आपको, और उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो है, सबसे पहले अपना आपका करियर पाथ आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते जाना है, किस राह पे आप खुश रहोगे। ओके, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी सिर्फ कोर नहीं है, काफ़ी सारे रास्ते हैं, तो आपको राह चुननी है कौन से राह पे आपको जाना है, और उस राह पे आगे बढ़ने के लिए जो भी स्किल्स आपको लगेंगे, जो भी स्किल्स वो कंपनीज या उस टाइप के जॉब मांगते हैं, वो स्किल्स आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करने हैं। और आपको बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जितना भी टाइम मिले उसमें आपको, अगर जब तक आपको जॉब नहीं मिले तब तक आपकी स्किल्स आपको अपग्रेड करती रहनी है। नहीं तो अगर आप किसी के भरोसे पे बैठे रहे कि जब वो करेगा तो मैं करूँ, अगर वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों ना करूँ, तो एट दी एंड ऑफ योर लाइफ, एट दी एंड ऑफ योर, जब भी 1-2 साल बाद, 5 साल बाद आप बैठोगे और बोलोगे कि मैं ये नहीं बन सका या वो नहीं बन सका इसके वजह से या उसके वजह से, आप फिंगर दिखाते रह जाओगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें पॉजिटिव रास्ते पे जाना है, हमें आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट्स हो इस विषय में उनको ज़रूर आप नीचे कमेंट्स में लिखें। शुक्रिया।